दिवाली के बाद चुनावी समर में प्रचार अभियान जो है वो तेज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक बैक टू बैक कई रैलियां करने वाले। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक चुनावी रैलियों में नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों की कमान संभालेंगे। आज सियासत का सुपर सोमवार है, क्योंकि आज एक बार फिर दिग्गज नेता जोरदार चुनाव प्रचार पर होंगे। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक की बैक टू बैक कई जनसभाएं हैं। 4 महीनों के भीतर पीएम मोदी 7वीं बार आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ में होंगे। वो यहां आज मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के जमकुही में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी की रैली है। मुंगेली के बाद पीएम मोदी महासमुंद पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12:30 बजे उनकी आम सभा होगी। इस रैली से पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि आज की रैली से पीएम एक बार फिर कांग्रेस की नीतियों पर अटैक कर सकते हैं। महासमुंद के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। यहां 4:30 बजे बड़वानी में उनकी विशाल जनसभा है। इस रैली के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। पीएम मोदी के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश में होंगे। राहुल की आज हरदा और नीमच में रैली है। वो नीमच जिले की जावद विधानसभा के डीकेन में 11:30 बजे पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद राहुल हरदा पहुंचेंगे, जहां वो टिमरनी विधानसभा के सिराली नगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की भी एमपी में बैक टू बैक कई रैलियां हैं। शाह विदिशा, गुना, अशोकनगर और दतिया में रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे।